बैक टू के न्यूज एस टी खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल क्रिसमस ईद मिलन पार्टी जेर एहतमाम बिशप अब्राहम असीम डैनियल गॉस्पल चर्च साहिवाल में मुनक्किद हुआ, जिसके मेहमान खसूसी डीसी साहिवाल थे। इस मौका पर मुकर्रीन की जानिब से अमन और भाईचारे की फिजा को कायम करने के लिए खसूसी खिताबात किए गए। मजीद इस मौका पर इलामा जियाउल्लाह शाह बुखारी, साबका सिटी नाजिम शेख इजाज अहमद रजा, मेंबर पंजाब बार कौंसिल मोहम्मद हुसैन सगला, एल्डर दिलबर जानी, मरकजी इमाम बारगा के खतीब मौलाना मोहम्मद हसन मसूमी, मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर हाजी अब्दुल लतीफ, कसरे बतौल के मतवली जारे शाह, बिशप नदीम एडवोकेट अली रजा चौधरी, फारूक अफसल फारूकी, जवेद एडवोकेट और बहुत बड़ी तादाद में पादरी हजरात, बल्दिया मुलाजमीन, सियासी व समाजी सहाफियों, ताजर बरादरी ने शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में बिशप अब्राहम असीम डैनियल मुल्क पाकिस्तान और पाक फौज के लिए खसूसी दुआ की गई। पादरजान न्यू ईयर के हवाले से केक काटा गया। इस मौका पर पीर मौलाना चिश्ती ने साल नौ के लिए अमन और इस्तकामत के लिए दुआ की। प्रोग्राम इतने ज्यादा थे कि हम शायद वक्त तंग पड़ गया था। हम आपकी इस मोहब्बत के लिए जो क्रिसमस के दिनों में हमारे बिलखसूस डीएमए के ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी पूरी स्टाफ नाम बिल्कुल साहब ने ले लिया, फिर से मैं लेना शुरू कर दूंगा। खाना बिल्कुल तैयार है और वो साहब बार बार मुझे कह रहे हैं कि अब आपके पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम क्रिश्चन इतिहास सारा काम सर अंजाम दे, जिसकी डिटेल बिशप साहब जरूर एंड में हमारे साथ शेयर करेंगे। और इतना शुक्रिया अदा किया, शायद इतना हमने परफॉर्म नहीं किया, मगर ये बड़े गर्व की बात होती है कि आप हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है, हमारी नौकरी है, रोजी रोटी है, ये तो हमने करना ही है। लेकिन अगर कोई भाई, कोई साथी, कोई कम्युनिटी अगर उसको अप्रिशिएट करती है तो यकीन करें कि इससे तो बहुत खुशी और बड़ा तसल्ली होती है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं ये कहूं कि मेरा मुल्क एक गुलदस्ते है, तो मैं मेजबानों का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमें बताया। दूसरी बात यह है, सबका मिल बैठना अमन की दलील है, पूरी दुनिया को हम पैगाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबने थैंक्स किया, शुक्रिया अदा किया। हम हमारे बहुत ही प्यारे साथी और ये कोई गुरूर या तकबर की बात नहीं, डेर साहब और दिल मजने साहब का शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस मौके पर याद किया और मैं मेरे बैठने का मौका प्राप्त किया। फिर से दूसरी में हम उनको ये उनकी जो इनकी खुशियां हैं उनको अल्लाह ताला मुबारक करे, उन्होंने हमें इसमें शामिल किया। मेरी उलमाए कराम से भी यही गुजारिश है कि जब हमारे कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं, मजहबी त्यौहार होते हैं, तो इस कम्युनिटी को भी हमें भी शामिल करना चाहिए ताकि उनको भी एक एहसास हो कि हम एक बसीत इंसान तमाम दोस्त हैं। बाकी मजहब का अपना अपना, हर किसी का अपना अपना है, वो करते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज किया है और पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये जिम्मेदारी मुस्लिम कम्युनिटी पर ज्यादा है और उनकी किस्मत मुस्लिम कम्युनिटी पर ज्यादा है, चूंकि वो अकलियत में है, हमारे भाई हैं, उनकी खुशियों में शामिल होना भी चाहिए और उनको अपनी खुशियों में शामिल करना भी चाहिए। तो मैं जनाब दोबारा उनका शुक्र गुजार हूँ इमरान अजीम डेगल साहब का कि उन्होंने तमाम दोस्तों को मेरे बैठने का मौका फराहम किया। बहुत अच्छा लगा कि आज मेरी बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि इस तरह का कोई प्रोग्राम हो, तो आज मैं अपने बिशप जनाब इमरान अजीम डेगल को और चर्च काउंसिल को बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया चर्च के नीचे। तो मेरे दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह मरियम में लिखा हुआ है, नतीजे क्यों फरमा रहे हैं नतीजा कि मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ और मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं मरूं और मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं जिंदा किया जाऊं। तो आज उस सिलसिले में जो उनका पैदाइश का दिन है कि खुशी के इजहार के लिए मुबारक और बाबरकत तकरीब का इनेकाद किया। अभी मैं पेशर मुकर्रीन की बातें जब सुन रहा था तो सच्ची बात है मुझे वो दिन याद आ रहा था जब सबसे पहले आगाज में आज से 30-31 साल पहले मैं चर्च में हाजिर हुआ। दिल बदजानी साहब मेरे पुल बने और वो शहर का मुझे शेर याद आ रहा था, मैं अकेला ही चला था जान दे मंजिल, लोग आते गए और कारवा बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हमने आज से 30-32 साल पहले शुरू किए, आज जैसे अभी शेख साहब ने वो शेर पढ़ा, एक तनावर दरख्त बन चुका है, सयादार दरख्त बन चुका है,
اور اس کے سائے سے الحمدللہ ہمارا پورا معاشرہ پوری سوسائٹی الحمدللہ مستفید ہو رہی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم دائم رکھے اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے ہماری ان کوششوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں قابل احترام ابراہم دانیل بشیر صاحب, دلبر جانی صاحب, ہمارے پیچھے جتنے بھی اس چرچ کی انتظامیہ ہیں, میں مختصراً کیونکہ پروگرام کو آخری شکل میں تھا, میں سب کا مشکور ہوں کہ آج جس طرح آپ نے ایک آپ کا سول سوسائٹی کا اور جتنے یہاں پر جو ہمارے شہر کے مدبرانہ شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہے, میں بلایا کہ تم میرے نام سے کہلاتے ہو تو وہ ہرگز اپنا اجر نہ کھوئے گا. آپ تمام بھائیوں کے لیے جنہوں نے کرسمس کے موقع پر, کیونکہ یہ کرسمس ولن پارٹی ہے, کرسمس کے موقع پر آغا صاحب آپ کی نظر کرسمس کے موقع پر جو محبت آپ تمام بھائیوں نے, میرا خیال ہے کہ میری 25 سالہ جو خدمت پاسبانی خدمت ہے اس میں جتنے پروگرام ہمارے مسلمان بھائیوں نے